भारत आजादी के 75 साल पूरे होने पर अमृतकाल का गौरवशाली जश्न मना रहा है। भारत आजादी का अमृतकाल मना रहा है। गौरवशाली जश्न हर साल मनाया जाता है और ये तारीख स्वतंत्रता दिवस की होती है। ये तारीख है 15 अगस्त। जी हाँ, हमेशा की तरह देश की राजधानी दिल्ली का लाल किला आजादी के प्रतिष्ठित समारोह का गवाह बनेगा। आइए हम इसके इतिहास और महत्व को जानते हैं। स्वतंत्रता दिवस का इतिहास। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऐसे कई स्वतंत्रता सेनानियों ने कई आंदोलन की शुरुआत की, जिन्होंने किसी न किसी तरह से 90 साल बाद गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने में मदद की। हम इस स्वतंत्रता का श्रेय अपने वीर स्वतंत्रता सेनानियों को देते हैं, जिन्होंने एक बार भी अपनी जान की परवाह किए बिना और देश को आजाद कराने का जो संकल्प लिया था उसे सिद्ध किया। ब्रिटिश सरकार का भारत की आजादी को लेकर पूरा प्लान तैयार था। योजना के अनुरूप भारत को आजादी देने का समय निर्धारित हुआ जून 1948 में। नए नए बने भारत के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने भारतीय नेताओं से मिलकर बात करना शुरू किया। पेच तब फंसा जब जिन्ना ने अपने अलग देश बनाने की मांग करना शुरू कर दी, जिसे लेकर दोनों नेताओं नेहरू और जिन्ना के बीच रसाकशी शुरू हो गई। दोनों के बीच मतभेद बढ़ने लगा, जिसका असर देश के आम जनमानस पर काफी पड़ा। इतना ही नहीं, देश के कई हिस्सों में सांप्रदायिक झगड़े बहुत हद तक बढ़ने लगे। देश की स्थिति बिगड़ते देख आजादी 1948 की जगह 1947 को ही निर्धारित करने की बात तय हो गई। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पेश किया गया और 15 दिनों के भीतर पारित कर दिया गया। 15 अगस्त 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो गया और इतिहास को चिन्हित किया गया। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार दिल्ली के लाल किले से तिरंगा फहराया। इसके बाद हर साल स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है, जिसके बाद प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम एक संबोधन देते हैं। अब जानते हैं 15 अगस्त को ही क्यों मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश ऑफ कॉमन्स में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पेश किया गया और 15 दिनों के भीतर पारित किया गया। तो 15 अगस्त 1947 की वो दिन भारत पर ब्रिटिश शासन समाप्त हो गया और इस दिन को ऐतिहासिक माना गया। इसीलिए 15 अगस्त को ही स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है।